ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲੋਕਰਨ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਦੀਪਕ ਫੌਜੀ ਜੀ, ਦੀਪਕ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੀਪਕ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? देखिये वीर जी, सबसे पहले तो ये बधाई पूरे देश के सभी नागरिकों को है। किसान जो आंदोलन में बैठे हुए, दिल्ली बैठे हुए हैं, उनको भी जो सोशल मीडिया के जरिए या जो यूट्यूबर है, आपने भी शायद 5 जून से शुरू कर दिया था इसी आंदोलन के लिए चैनल अपना शुरू कर दिया था, तो ये बधाई सभी की बधाई है। ये नहीं कि भाई सिर्फ जो आंदोलन में लगे हुए, जो ऐसे भी लोग हैं जो कि नहीं शामिल हो सकते लेकिन उन्होंने भी किसी ना किसी रूप में सहायता की है, तो ये सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही शुभ दिन था। गुरु पर्व के ऊपर जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भाई तीनों कानून हम रद्द कर रहे हैं, नहीं समझा पाए, ये तो पहले से ही बोलते आ रहे थे भाई ये कानून काले हैं, इनके अंदर कोई कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन पहले एक साल तक ये इन्होंने सोचा उठ जाएंगे आंदोलन उठ जाएगा, लेकिन अभी उन्होंने बोलिया है अभी तो एक तो ये संसद में पेश होगा कि भाई तीन कानून रद्द करने हैं, वो एक प्रक्रिया है जो चलती है संसद के अंदर, वो प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद आप पूछना चाहते हैं एसकेएम का क्या हो, एसकेएम का ये है, हमारी लड़ाई थी तीनों कानून रद्द और एमएसपी गारंटी कानून। अभी एमएसपी गारंटी कानून के लिए इन लोगों ने बोला है कि हम एक एसआईटी गठित करेंगे, वो विचार करेगी, लेकिन ये तो 2014 में भी बोल चुके हैं, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में बोला था कि पहली कलम से C2+50 के आधार पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। तो इनकी बातों का इसलिए भरोसा नहीं कर सकते जब तक लिखित में नहीं आ जाता तीनों कानून रद्द, एमएसपी गारंटी कानून प्लस खरीद कानून। उसके बाद दो कानून और जो इन्होंने बनाए थे, एक तो बिजली बिल वाला और एक जो पराली जलाने वाला है, उस पर भी ये लोग यही बोलते आए हैं कि लागू नहीं किया है। लेकिन जो पराली जलाने का कानून इन्होंने लागू किया है वो एक फांसी का फंदा तैयार कर रखा है किसान के लिए, उसको भी रद्द किया जाएगा। और एक फिर सबसे बड़ा जो बचेगा अपना हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर 40,000+ केस हैं युवाओं पे, बुजुर्गों पे, माताओं पे, बहनों पे, सभी पे। ऐसे ही पंजाब के अंदर भी केस दर्ज हैं, रोड रोकने के, ट्रेन रोकने के, हजारों लाखों केस हैं, वो सभी केस रद्द किए जाएंगे, लिखित में दिया जाएगा, किसी पर कोई भी केस नहीं होगा, जो सबसे अहम बात है। सबसे पहले तो ये केस भी रद्द चाहिए, केस रद्द नहीं होंगे फिर वो समन आते रहेंगे, क्या फिर उसके लिए दोबारा आंदोलन करना पड़ेगा, वो भी नहीं हो सकता, इतना बड़ा आंदोलन दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। अभी सभी मसले जब तक हल नहीं हो जाते तब तक आंदोलन ऐसे ही सुचारू रूप से चलता रहेगा। जी बिल्कुल, देखो सब तो गल तो MSP दी है, हालांकि 23 फसलों ते अनाउंस की हुई है बीजेपी सरकार ने, पर मिलने कितने? तुम मक्की का हाल देख लो पंजाब ते हरियाणा दे विच की हुंदा, ते एक थोड़ा दर्शकों नू उस बारे दीपक जी जानकारी दो, जो लखीमपुर घटना हुण किसान किस तरह हैंडल करनगे? देखिए, जो लखीमपुर की घटना हुई थी वो एक बहुत ही शर्मनाक करते था जो बीजेपी के मंत्री के लड़के ने किया था, टैनी मिश्रा के लड़के ने जो किया था वो इतना शर्मनाक करते था, उसके ऊपर पूरे देश की भावना एकदम से भड़क गई थी। और ये उस करते को क्या है, सिख और हिंदू करना चाहती थी बीजेपी उसको, लेकिन पूरे देश के लोग जागरूक थे, अचानक से वहां पहुंच गए, लखीमपुर के अंदर पहुंच गए, किसी को नेता को पहुंचने दिया गया, किसी को नहीं पहुंचने दिया गया, रातों रात जो फैसला हो गया था ये भी मान लिया, चलो भाई जो भी फैसला हो गया, दंगा ना भड़के उसके लिए फैसला हो गया। लेकिन उसके बाद अभी तक ना तो उस मंत्री का इस्तीफा हुआ है, ना उसका लड़का जेल में गया है जिसने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई थी, उसके विपरीत
अपने ही चार किसानों को उठाकर उनको 307 और 302 की धारा लगा के उनको जेल के अंदर डाल दिया गया है। लखीमपुर वाला फैसला भी नहीं हुआ है। कल एक महापंचायत है, उस महापंचायत में फैसला लिया जाएगा कि वापिस लखीमपुर का जो केस था उसको क्लियर किया जाएगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि इसने बीजेपी ने दिखाया कुछ है और किया कुछ है, ये तो सबको पता है। 7 साल से पूरा देश जुमले सुनता आ रहा है, 15 लाख, 100 स्मार्ट सिटी। लेकिन जो ये केस कर रहे हैं, इस आंदोलन के दौरान जो इन्होंने केस किए हैं, उसमें भी इन्होंने जो कुछ बोला है वो अभी तक हुआ नहीं है। लखीमपुर के कांड में इन्होंने बोला था ठीक है किसी किसान के ऊपर कोई केस नहीं होगा, उसके बाद अभी 20 दिन पहले 4 किसानों के ऊपर ताजा मुकदमा दर्ज हुआ है 307 की धारा लगा के। 307 की धारा सबको पता है किस उसमें लगती है, उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। कल जो महापंचायत है 22 तारीख को, उस महापंचायत में यह फैसला लिया जाएगा कि जो लखीमपुर खीरी का कांड हुआ था उसमें क्लियर कट चाहिए हमारे को, मंत्री का इस्तीफा और मंत्री के बेटे को जेल। उनको जेल क्यों नहीं हुआ अभी तक, जब पूरे एविडेंस पूरे सबूत दे दिए गए थे, किसने गाड़ी चढ़ाई है उसके ड्राइवर का वीडियो भी दे दिया गया था, सब कुछ दे दिया गया था, लेकिन फिर भी अभी तक उनके ऊपर कोई भी ऐसा लीगली एक्शन नहीं लिया बीजेपी ने अपनी तरफ से, तो उसका फैसला भी कल होगा। जी बिल्कुल, जो दीपक जी असं अगे हम अंदोलन देखते हैं, मेरा पहला भी सवाल आई सी हूँ भी जो एक प्रोग्राम से 29 नवंबर जाके जो संसद के सामने 500 वॉलंटियर जाएंगे संसद के सामने रोस प्रदर्शन करके, उस प्रोग्राम का दसो कि हूँ किसानों का उस प्रोग्राम बारे की विचार। देखिए जो 500 वॉलंटियर का जो प्रोग्राम बनाया था SKM के अंदर, वो प्रोग्राम बहुत अच्छा था, लेकिन एक तो लोग नहीं समझ पाए, कुछ बीच में इस टाइप के वीडियो आ गए ऊपर से, जैसे चलूनी साहब ने बोल दिया इन्हें तो एक साथ जाएंगे, एक साथ ऐसा संभव नहीं है, ये सबको पता है 26 जनवरी को क्या हुआ था वो भी पता है, इससे फिर क्या आंदोलन टूटने का खतरा हो जाता। उसके लिए फिर दोबारा मीटिंग हुई, उनको समझाया गया भाई एक साथ नहीं हो सकता, 500 बंदे अपने टिकरी बॉर्डर से और 500 गाजीपुर बॉर्डर से जाएंगे ट्रैक्टर ट्रेलिया लेके और वहीं पे बैठते रहेंगे। लेकिन उसी बीच में जो प्रधानमंत्री ने आकर के खुद बोल दिया कि हम तीनों कानून रद्द कर रहे हैं और MSP के ऊपर SIT गठित कर रहे हैं, उसका अगर ये बीच में नहीं आते, 29 तारीख वाला जो प्रोग्राम था वो बिल्कुल फाइनल हो चुका था, वो रद्द नहीं होता, वो 500 बंदे वाला था, फिर उसको संसद को घेरा जाता और वहां पर अपनी बात मनवाई जाती। वो SKM ने एक बहुत ही सोच समझ के बहुत अच्छी रणनीति थी वो, अगर उस रणनीति को आप पूरा देखते अभी तो हम बता ही सकते हैं कि 500 वहां पर जाते और वहीं पर रुकते, अगले दिन फिर 500 जाते, ऐसे करके अपना संख्या बल हमारे को संसद के ऊपर बढ़ाना था ताकि फिर वहीं पर सारे फैसले हो जाते। संसद के अंदर तो इनको आना ही पड़ता, संसद में ही हम अपने पूरे फैसले करवा सकते थे, वो एक बिल्कुल लास्ट हथियार था। लेकिन उससे पहले हो सकता है इनको भी कहीं ना कहीं से पता लग जाता है, जैसे मीडिया वाले बोलते गुप्त सूत्रों से पता लग गया है, इनको भी गुप्त सूत्रों से पता लग गया होगा कि भाई SKM ने ऐसी कोई रणनीति बनाई है, उस रणनीति को मद्देनजर रखते हुए। और जो 5 चुनाव उपचुनाव हार गए थे ये, उसके बाद अभी UP और पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव आ गए थे, उन चुनावों के मद्देनजर खुद प्रधानमंत्री ने आके ये बोल दिया कि हम कानून रद्द कर रहे हैं। लेकिन ये बार बार आके TV पर बोलते रहते हैं, इसलिए इनकी बातों का भरोसा ना करते हुए SKM ने बताया है, हमारे भी कुछ साथी क्या है ये हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे कि भाई कानून तो रद्द हो गए, अभी आंदोलन की क्या जरूरत है, ऐसी बातें उठी हैं, आपके सामने भी आई होंगी ऐसी बातें उठने लग जाती हैं। वहां पर भी कुछ लोग कहने लगे थे सिंगू बॉर्डर पे टिकरी बॉर्डर पे अभी तो कानून रद्द हो गए, चलो कानून, अरे भाई कानून रद्द हो गए लिखित में नहीं आया है, MSP गारंटी कानून खरीद कानून लिखित में नहीं आया है, जब तक ये सब कुछ लिखित में नहीं आ जाता तब तक आंदोलन सुचारू रूप से चलता रहेगा। और बची बात ये कि भाई आंदोलन इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता, सबको पता है ये जो जन आंदोलन है, ऐसे नहीं कि भाई इन्होंने बोल दिया और आंदोलन खत्म हो जाएगा, आंदोलन क्या अगर ये सारे फैसले भी हो जाएंगे उसके बाद भी 10 दिन तक लोग एक दूसरे से मिलते रहेंगे बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि ये एक पवित्र इतना पवित्र स्थान हो चुके हैं जो दिल्ली के बॉर्डर हैं, वहां पर किसी को ये नहीं लगता कि मैं पंजाब से हूं, मैं हरियाणा से हूं, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, या मैं केरला से हूं, महाराष्ट्र से हूं, एक दूसरे से इतने घुल मिल गए हैं कि ऐसा लग रहा है 2-4 महीने तो घर पे जाने के बाद भी दिल नहीं लगेगा लोगों का, याद आएगी एक दूसरे की। और एक दिन ऐसे ही जोगेंद्र सिंह गुराया जी आए हुए थे, तब उन्होंने बताया था कि अब तो ऐसा हो गया जैसे हरियाणा और पंजाब बिल्कुल एक हो चुके हैं, अगर हम जीतने के बाद भी हम एक दूसरे के घर आते जाते रहेंगे, ये तो सब चलता रहेगा। तो बची आंदोलन की बात, आंदोलन की रूपरेखा बिल्कुल क्लियर है, जो शुरुआत से था वही अब है, और ये शुरुआत से ही था, जो ये पराली कानून है, बिजली बिल वाला कानून है, ये लिखित में पहले ही दे चुके हैं SKM। बिल्कुल हाँ, तो एक बार दर्शकों थोड़ा जा एम भी दसो के हूँ माहौल किदा सिंगू बॉर्डर से,
जी देखिए, पहले लोग अभी एक मानसिक रूप से कि आप एक साल तक एक जगह पर बैठते हो, थोड़ी थकावट आ जाती है। वो जो थकावट थी वो अब तरोताजा बदली हो गई है, मतलब बिल्कुल फ्रेश हो गया सब कुछ। अब सबको ये लग रहा है कि पहले जो ये था भाई, इन्होंने गोदी मीडिया ने ये दिखाया था कि कानून तो रद्द नहीं होंगे और चाहे कुछ भी हो जाए, कि मोदी नहीं मानता, किसी की नहीं मानता, वो झुकता नहीं है, ये नहीं होता है, उन सबको मिथ्या भ्रम साबित कर दिया है। वो साबित किया सोशल मीडिया ने और इस आंदोलन ने। इसमें सोशल मीडिया का विशेष तौर पर मैं इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि गोदी मीडिया ने कभी भी इस आंदोलन को पॉजिटिव नहीं दिखाया। जितनी भी आवाज थी वो सोशल मीडिया के चैनलों के माध्यम से, जैसे आप हैं और भाई जो लगे हुए हैं लगातार ठीकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे लगातार, और सोशल मीडिया पे जो बोलते हैं, उनकी वजह से आंदोलन जीवित बचा है। अब ये आंदोलन में एक नई ताजगी, एक नई स्फूर्ति आ गई, लोग धीरे 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 बढ़ने लगे। अब उन सबको ये पता कि अब हम बिल्कुल जीत चुके हैं, अब उनको ये महसूस होने लगा कि हाँ हम जीत रहे हैं, अब उस जीत की खुशी हम बॉर्डर पे एक साथ मनाएंगे। जो शुरुआत में जो भीड़ आई थी ना, अब मेरे को लग रहा है उससे भी डबल भीड़ होगी बॉर्डरों के ऊपर अगले 10 या 15 दिन में। आप देखना लोगों की वहां पर बहुत जत्थेबंदियां पहुंचेंगी, भीड़ बढ़ती जाएगी और वहां पर अपनी जो खुशी है ना वो जश्न मनाया जाएगा। बिल्कुल दीपक जी, पर कई ताकत हजे भी चाहदियां नहीं सी कि कानून रद्द होण, जिवें कंगना रनौत दा सिखां नूं लैके एक ट्वीट आना, इंदिरा गांधी की फोटो नाल पोस्ट करनी, ते उस तो बाद राजस्थान के गवर्नर सी जो मिश्रा, उन्हों का कहना कि यह कानून इस करके वापस लेने अंदोलन करके, कदे भी बीजेपी यह कानून लैके आ सकती है। कहने का भाव कि यह लोग चाहते नहीं अंदोलन की जित, किसान के कानून आखिर रद्द क्यों हुए। ये है ना, कुछ एक है जो अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार बोलते हैं, उनसे ये जीत पच नहीं रही है। जो ये किसानों की जीत हुई है, जो ये मोदी की हार हुई है, ये उसको पचा नहीं पा रहे हैं। वो अपना दुख मतलब के जाहिर भी कर चुके हैं कि हम तो दोबारा कानून ले आएंगे। अरे इतना हंसी खेल है क्या, जब तक लिखित में नहीं हो जाता, लिखित में होने के बाद फिर कैसे कानून लेके आ सकते हो। संविधान के अंदर जब संसद के अंदर लिखित में आ जाएगा तो ये कानून तो आने से रहा, दूसरा कानून लेके आएंगे उसका भी जवाब दिया जाएगा। इस आंदोलन ने एक रास्ता दिखा दिया है पूरे देश की जनता को कि आप अहिंसात्मक तरीके से शांतिपूर्वक अपनी मांगे मनवा सकते हो। इससे पहले जितने भी आंदोलन हुए थे बीजेपी के राज में, बीजेपी वालों ने उन सबको तोड़ दिया था। वो कोई भी आंदोलन हुआ है उन सबको तोड़ दिया था, किसी ना किसी तरीके से तोड़ दिया था। लेकिन इनको पहली बार जो अपने किसानों की एकता की जो ताकत है ना, उसका अंदाजा इनको हो चुका है और उसकी भनक इनको मिल चुकी है कि इनसे पंगा नहीं लेना। इन्होंने हर चीज को बेच दिया था, सब कुछ कर दिया था, लेकिन इनको ये नहीं पता था किसान और कुदरत, इन दो चीजों का जब मेल हो जाता है ना तो बड़े से बड़े ताकत भी इनसे जीत नहीं सकती। वो एहसास इनको करवा दिया। उसके बीच में कुछ लोगों की, आज हमने भी देखा था सोशल मीडिया के ऊपर, इंदिरा गांधी की फोटो डाल के एक एक कोई नाचने गाने वाली है, कंगना कंगना क्या है, उसने भी एक अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है सिखों के लिए। उन्होंने बोला कि 84 में सिखों ने इंदिरा को मतलब कि मच्छर की तरह मसला दिया था, कुछ इस टाइप का उन्होंने एक ट्वीट किया है। उसके ऊपर भी अभी केस होगा, केस नहीं होगा तो उनको इतना बोलने की आजादी किसने दी है। वो बिल्कुल दो दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि हिंदुस्तान एक जिहादी राष्ट्र बन चुका है, क्या उनके ऊपर कोई केस लागू नहीं होता, कि संविधान में उनको इतनी छूट मिली हुई है, वो कुछ भी अनर्गल बक सकते हैं। ये पहले चलो ठीक है, हमारे को खालिस्तानी पाकिस्तानी पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, फिर उसके बाद इन्होंने बीच में फिल्म चलाई कि ये तो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, ये कोई कृषि कानूनों की मांग नहीं कर रहे हैं। इन्होंने मतलब के हर बार किसी ना किसी रूप में, आज इस चीज को आप ये मसद बना आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, मैं अपने लाइव में भी मैंने 3-4 बार बोला है, इन्होंने सिखों को कई बार टारगेट किया है, कई बार, एक बार नहीं कई बार। इनको पता था सिख को और हरियाणियों को अलग कर दो आप, अलग करने के बाद इनकी ताकत बढ़ जाएगी। सबको पता है, ये पूरी दुनिया जानती है कि हरियाणा और पंजाब अगर मिलके कोई लड़ाई लड़ते हैं ना, आज तक तो हारे नहीं है। और ये किसी नेता की लड़ाई नहीं थी, ये मुद्दों की लड़ाई थी, और हरियाणा और पंजाब एक हो चुका है, हो चुका था नहीं, अब एक हो चुका है और आगे तक एक रहेगा। उसके लिए भी अभी एक टीम बनाई जा रही है, एक टीम बनेगी हरियाणा पंजाब की, संयुक्त टीम बनेगी। आगे कोई भी मसला होगा, देश का बड़े से बड़ा मसला होगा, ये मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे और देश को एक दिशा देंगे कि लड़ाई को कैसे लड़ना शांतिपूर्वक तरीके से। इसके लिए जो एक बात बोली थी मैंने पहले, पंजाब बड़ा भाई है, पंजाब से ही अलग होकर हरियाणा बनया है, ये तो है नहीं हरियाणा पहले था, पहले पंजाब था फिर हरियाणा था। बड़े भाई को आगे रख के अगवा बड़ा भाई रहेगा और उसके साथ मिलके हरियाणा साथ मिलके लड़ाई लड़ेगा। अभी तो एक बार ये संसद में लिखित में आने दो,
जो एमएसपी गारंटी कानून, खरीद कानून और ये तीनों कानून रद्द का, आप देखना उस दिन इतना बड़ा त्योहार होगा कि पूरी दुनिया देखेगी उस जीत को, ऐसा जश्न मनाया जाएगा। दीपक जी मेरा आखिरी सवाल, कानून रहे हुण रद्द होणगे ही पार्लीमेंट दे विच भी होणगे, इस तो बाद जिहड़े किसानी दे मसले ने, किसानी सिर किसानी नूं फसलां दा, किसान नूं फसलां दा सही कीमत सही लागत ना मिलनी, पाणियां दा थल्ले हुण थोड़े इस दे अगे की विचार ने कि जिवें देखो इतिहास दे विच इह गल पहली बार हुई है कि सारियां जथेबंदियां इकट्ठे हो के इक प्लेटफॉर्म ते आ के कोई संघर्ष विड़िया होवे नहीं, सारे अपनी अपनी तर्ज उत्ते लड़दे सी ते इकट्ठे हो के रिजल्ट नतीजा जो पॉजिटिव प्राप्त होया वह भी साढ़े सामने है कि हुण जो किसानी के होर मसले ने उन्हां मसलों के भी ऐदा ही है कि अंदोलन ऐदा ही लड़े जाण, इकट्ठे होकर लड़े जाण। बिल्कुल, अभी आपको मैंने एक मिनट पहले बताया है, एक टीम बनाई जाएगी हरियाणा पंजाब की और जितनी जत्थेबंदियां ना उन सबकी एक टीम बनाई जाएगी। ये तो यानी देखो मुद्दे अनेकों अनेक हैं देश के अंदर, हर मुद्दे को सोल्व करवाया जाएगा, उसके तरीके से संवैधानिक तरीके से उस लड़ाई को लड़ाया जाएगा बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से। और ये आंदोलन जो था ना, ये आंदोलन एक रास्ता दिखाया था कि हमारे को कैसे लड़ाई लड़नी है और हमारे को कैसे आगू चाहिए, वो भी हमारे को मिल चुके हैं, लड़ना कैसे है, वो तरीका क्या होगा, वो देश को एक रास्ता दिखाया गया है, अब उसी के ऊपर चलेंगे। जैसे एमएसपी गारंटी कानून है, वैसे तो जो कर्जा है संपूर्ण कर्ज माफ, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बोलिया हुआ 2014 के अंदर कि किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ होगा, C2+50 की स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है और जो बैंक लोन वगैरह सब कुछ है, वो सभी मुद्दे सोल्व होंगे, महंगाई का भी, बेरोजगारी का भी, हर मुद्दे को। लेकिन उसके लिए अभी एक टीम बनाई जाएगी, वो टीम संयुक्त रूप से लड़ेगी, इसीलिए हमने एक टीम तैयार की है अपनी, जो SKM से सलाह मशवरा करके एक टीम तैयार की जाएगी, वो टीम आगे देश के हर मुद्दे को लड़ेगी, लेकर के लड़ेगी। वो लड़ने का एक तरीका, एक प्लेटफॉर्म जो SKM है, SKM हमारे को एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है, ये प्लेटफॉर्म देश की हर लड़ाई को लड़ेगा। बिल्कुल, हर लड़ाई लड़ी जाऊगी। दीपक जी अपने विचार रखने के लिए थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों साडे नाल जुड़े हुए सी दीपक कुमार फौजी जी, इन्हां ने किसानी दे अगे स्टैप की होणगे, अगले कदम की होणगे उस ते गलबात कीती, किसानी अंदोलन अगे किवें ग्रो करूगा, खेती दीआं जो मुश्किलां ने, खेती दी जो दरपेश चुनौतियां ने, उन्हां चुनौतियां दा सामना अगे यूनाइट होके जीके, जिवें दीपक जी ने दस्सिया कि एक टीम बनेगी पंजाब ते हरियाणा दी, इकट्ठे मसले ने जो, क्योंकि देखो समस्यावां तां जे पंजाब दे किसान होण जां फिर हरियाणा दे किसान होण जां फिर देश दे सूबे दे किते किसान होण, सारे दी समस्यावां तां सेम ने, लड़ाई सारे दी सेम है। यह लड़ाई जिवें तिन खेती कानूनां दे पद्धर उत्ते लड़ी जा रही सी, यह लड़ाई किसानी दी मुश्किलां नूं देखदे होए यह लड़ाई अगे इदां ही लड़ी जाऊगी। दीपक कुमार जी ने दस्सिया कि चंगा विचार भी है यह, तुसीं अपना सुझाव सानूं कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट दे रूप दे विच जरूर दिओ, ते तुसीं बने रहो थोड़े अपने TV प्रोग्राम चैनल पंजाबी। धन्यवाद।